नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निष्फ नेशन देख रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को बिहार में मिली जीत के बाद ट्वीट करके बधाई दिया, तो बिहार के मुख्यमंत्री 20 घंटे तक जनता को धन्यवाद भी नहीं कर पाए और 20 घंटे तक सीएम नीतीश जो थे वो चुप रहे। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जब बिहार को संबोधित कर रहे हैं, देश के में जिस तरीके से देश भर के कई राज्यों में उपचुनावों में बीजेपी की जीत हुई उस पर अपनी बात कह रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है यहाँ पर ट्वीट किया है। नीतीश कुमार की जो लाइनें, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, लाइन कुछ इस तरीके से कि जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। अब इस लाइन का मतलब समझ, मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं जो वो सहयोग दे रहे हैं उनके धन्यवाद कहा है इसमें, और जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया है उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। दरअसल जो नीतीश कुमार की जो जेडीयू है वो बिहार में 3 नंबर की पार्टी है। दरअसल एक नंबर पर तेजस्वी यादव आए हैं, 2 नंबर पर इस बार करिश्माई आंकड़ा जो है वो एक तरीके से छूते नजर आई बीजेपी, और 3 नंबर पर नीतीश कुमार चले गए। नीतीश कुमार को जो जिन सीटों का नुकसान हुआ उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। कुछ सीटों पर जो ज़्यादातर सीटों पर चिराग पासवान फैक्टर ने काम किया, और कई सीटें ऐसी थी जहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी ने बहुत करारी हार दी, और कहीं तो नेक टू नेक फाइट हुई और बहुत कम मार्जिन से जदयू की हार हुई। जदयू की हार के बाद ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पहला बयान है, आप ये मान के चलिए, जिसमें वो बिहार की जनता को जनता मालिक है वो इन शब्दों को कहते रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनता मालिक है, लिहाजा जनता को धन्यवाद दिया है, और साथ ही जो सीएम नीतीश कुमार है वो प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन इसके बीच में लगातार कई तरह की खबरें हैं जो लगातार वायरल हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, सीटें कम हुई है, इस तरह की तमाम तरह की बातें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। हालांकि न्यूज़ फाउंडेशन इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की देरी हुई उसके बाद विरोधियों को भी नीतीश कुमार पर बोलने का एक और मौका मिल गया है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।